हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि हम दो टॉपिक करेंगे आज। इनपुट आउटपुट मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर एग्जाम में नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन आएंगे सिक्स नंबर बेस्ड। वो सिक्स नंबर बेस्ड किस तरह से करने हैं मैं आपको बता दूंगा। काफी इजी टॉपिक है, काफी इजी रहता है एग्जाम में भी करना, लेकिन अगर आपको नहीं पता वो किस तरह से करना है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वो पांच क्वेश्चन आपका हर एक क्वेश्चन एक मिनट तो लेगा ही अगर आप पहली बार देख रहे हैं। अगर आप नहीं पहली बार ही, अगर आपने पहले उस तरह के क्वेश्चन जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा अगर आपने देखे हुए होंगे तो आपको 30 से 35 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। तो आज के जो हमने दो दिन बोले थे रीजनिंग खत्म करने के लिए, अब रीजनिंग में हमारा इसके बाद रह जाएगा सिर्फ साइलॉगिज्म, जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद होगी, और पजल्स हमारी डेली बेसिस पर चलती रहेगी। और इसके बाद हम रीजनिंग नहीं करेंगे अभी कुछ देर के लिए, हम करेंगे क्वांट और उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश के हमारे सबसे पहले रूल्स जितने भी हो सकते हैं। वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जेके बैंक के लिए एटलीस्ट मैं आपको करवा दूं, और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि मिनिमम 70-75 सिलेक्शन इस ग्रुप से लोगों की होगी मिनिमम। मैक्सिमम तो आप रहने दें, क्योंकि मैंने देखे हैं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में भी, और काफी ऐसे हैं जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। मैं नहीं मानता कि मेरी वजह से थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो रहा है, वो अपनी जितना डेडिकेशन वो दिखा सकते हैं वो उस तरफ उस लेवल की डेडिकेशन दिखा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि सब दिखाएं, क्योंकि एग्जाम ये जो जेके बैंक के एग्जाम है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। क्यों है? क्योंकि मैं आपको भी एक एग्जाम्पल दूंगा। जेके बैंक एग्जाम में हमारी वैकेंसीज हैं 1200 बैंकिंग एसोसिएट्स और 250 पीओ, 1450। अभी जो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि मैं NIACL का एग्जाम देने गया था, उसमें 137 जनरल वैकेंसीज थी ऑल ओवर इंडिया। आप खुद देखें 1450 वैकेंसीज, 100,000 लोग कम्पीट कर रहे हैं, और 137 वैकेंसीज जो 15-20 लाख लोग कंपेयर कर रहे हैं। आप खुद देखें, कंपेयर करें, और जो लोग लाइटली ले रहे हैं जेके बैंक को कि यार नहीं हम कर ही लेंगे, और जो लोग कह रहे हैं कि यार आप 20 से 25 क्वेश्चन करके आओ या 30 से 35 क्वेश्चन करके आओ आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं ये लोग आपके करियर के साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि 65 प्लस मार्क्स तक का हम टारगेट लेके चलेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं बीच में एक दो दिन डिले होने के बावजूद भी हम 65 प्लस के लिए अभी भी तैयार है। ये हम मार्क्स की बात कर रहे हैं ना कि अटेम्प्ट। अभी भी जितना टाइम है, अब मैं आपको सही स्पीड और सही पेस पे लेके आऊंगा जो एग्जाम से पहले जरूरी है। लोग कह रहे थे कि मैंने सैलॉग पहले क्यों नहीं करवा दिया। सैलॉग मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मेरे को पता था कि अभी हम अगर सैलॉग पढ़ेंगे एग्जाम से थोड़े दिन पहले तो जो मैं आपको रूल्स करवाऊंगा या ट्रिक्स बताऊंगा वो आपको एग्जाम्स के एंड तक याद रहेगी, और वो जो याद रहेगी वो आप एग्जाम में अप्लाई करके 5 में से 5 मार्क्स अगर ले आएंगे फिर मेरे लिए आप उसको नेक्स्ट डे ही भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपकी सिलेक्शन हो गई, आपके पास जॉब होगी। मेरा सिर्फ स्टार्टिंग से मोटिव यही था कि मैंने जो 1-1.5 साल मेहनत करी है वो मेरे को लग रहा था वेस्ट हो रही है, और काफी सारे हमारे JNK के लोग ऐसे हैं जिनको कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। थैंक्स टू जेके बैंक उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जॉब ले सके। एग्जाम जम्मू कश्मीर में किस स्पीड से होते हैं सबको पता है, जो हो रहे होते हैं वो किस तरह से स्टे या कैंसिल हो जाते हैं वो भी सबको पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये कहूंगा कि अगर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है तो इसे ग्रैब करें। मैं सिर्फ जेके बैंक पीओ का एग्जाम देने जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी जॉब है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इनमें से किसी एक की वो जॉब को ले लूं या उनकी वजह मेरी वजह से किसी एक ऐसे इंसान की सिलेक्शन रुक जाए जिसको ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए मैंने जेके बैंक पीओ का ही सिर्फ अप्लाई किया था। बाकी मैं आपको स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक आज का, जो मैंने आपको बताया था सिक्स डिजिट नंबर या सिक्स क्वेश्चन बेस्ड नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम में क्या होगा, सिर्फ यही गिवन होगा, छह नंबर दिए होंगे अलग तरह से, कोई इनमें लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लॉजिक आपके किस तरह से होंगे वो आपको क्वेश्चन में ही वर्डिंग ही इस तरह की बना के देगा कि आपको वर्डिंग समझने में ही 40-45 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे अगर आप उसको पहली बार देखेंगे। फिर आप जब उसको अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपके 20 से 25 मिनट उसको बनाने में वेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप आंसर मार्क करेंगे तब तक आपके 10 से 15 सेकंड और वेस्ट हो जाएंगे। यानी कि
इजी क्वेश्चन को करने के लिए भी आपका 1 से 1.5 मिनट तक लग जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है बट ये जानबूझ के एग्जामिनर बनाता है। इन क्वेश्चंस का नाम होता है स्पीड ब्रेकर, जो आप एक काफी स्पीड में, जब आप देखेंगे कि बैंकिंग एसोसिएट में काफी इजी पेपर आएगा, अब काफी स्पीड से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 7-8 मिनट में आप 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। आप जब ये करने जाएंगे तो जो 7-8 मिनट के बाद आपका टाइम होगा 15 से 16 मिनट और आपके अटेम्प्ट होंगे 20। इन क्वेश्चंस को भी मैं आपको बोलूंगा कि मार्क फॉर रिव्यू करें, पहले ब्लड रिलेशन, साइलॉग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ये वाले टॉपिक पहले कवर करें क्योंकि ये काफी इजीली हो जाते हैं और टाइम भी नहीं ज्यादा लगता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। ये होगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन। अब इसको किस तरह से करना है मैं आपको बताऊंगा। वर्डिंग में आप देखेंगे इतना 4-5 लाइन का आपका क्वेश्चन होगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपको बस देखना है कि करेंगे किस तरह से। मैं आपको पहले क्वेश्चन आराम से बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ट्रिक किस तरह से इसे करेंगे। वहां पे होगा, इफ द 2 डिजिट्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द सेकंड एंड थर्ड डिजिट रिस्पेक्टिवली ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर, यानी कि सेकंड और थर्ड डिजिट लेके इन नंबर्स की हमें एक और नंबर बनाना है। सेकेंड और थर्ड डिजिट हमने ले ली, हमारी क्या बनी, 27, 89, 85, 54, 78, 17। हम पहले ये नोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसने टाइम वेस्ट करने के लिए क्या लिखा है, देन द 2 डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ दिस 2 नंबर डिजिट और डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, यानी कि ये सब इंटरचेंज हो जाएंगी। आप देखेंगे क्वेश्चन इजी है, बन रहा है, चलते जा रहा है। और उसके बाद उसने बोला, विच नंबर इन द गिवन नंबर विल बी सेकेंड हाईएस्ट नंबर इन द रिवाइज फॉर्म। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा हमारा, हम देखेंगे 98 हाईएस्ट है, 87 हमारा क्या होगा सेकेंड हाईएस्ट, हम देखेंगे कि 87 हमारा सेकेंड हाईएस्ट है। क्वेश्चन हो गया, इसको मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। लेकिन आप देखें कि कितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ इसे करने में, ये इतना टफ था नहीं क्वेश्चन जितना इन्होंने बना दिया। और हम यहां से देखेंगे 87 हमारा कौन सा था, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ वाला, यानी कि ये वाला 578 हम आंसर मार्क करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इसे क्वेश्चन को करना कैसे है। जब हम क्वेश्चन ये देखेंगे, हमारी सिर्फ आंखें और हमारा पेन चलना चाहिए, हमारा दिमाग यहां पे बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए कि क्वेश्चन में भो क्या रहा है। जैसे कि उन्होंने बोला कि 2 डिजिट्स को फॉर्म किया हमने सेकंड और थर्ड डिजिट लेके, यानी कि इन्हें लेके हमने एक डिजिट बना दी और हम उसी टाइम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि इंटरचेंज होके, यानी कि हम सीधा लिखेंगे ही इस फॉर्म में। और उसके बाद इन्होंने बोला कि सेकेंड हाईएस्ट कौन सा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे हाईएस्ट कौन सा, सेकेंड हाईएस्ट, और उसको आंसर मार्क कर देंगे। आप एक बार इसी वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसको ट्राई करें जिस तरह से मैंने बोला। हमें इस क्वेश्चन में फंसना नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को दिमाग में पहले सॉल्व करना है और हाथों से कम। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ दीज नंबर्स आर रिटन विद ए डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर विच अमंग देम विल बी द थर्ड हाईएस्ट। अब यहां पे लोग कर लेते क्या करेंगे, लोग लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में 7, 2, 8, 9, 8, 3, 5, 8, 4, 4, 5, 6, 8, 7, 5, 7, 1, 2, फिर फाइंड करेंगे कि थर्ड हाईएस्ट कौन सा है। अब मैं आपको बताऊंगा इन्हें करने का ट्रिक। हमें पता है कि ये जो लास्ट डिजिट है, सबसे पहले हम इन्हें देखेंगे, सबसे बड़ी कौन सी है, 9 हाईएस्ट, क्लियर हो गया ये यहां से देख के, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में भी हमें यहीं से लिखना है बिना ये सब किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है, 8 वाली, ये भी नहीं लिखेंगे। थर्ड हाईएस्ट में हमने देखा कि 7, 2 में है, फिर हम क्या देखेंगे कि सेकंड डिजिट, क्योंकि सेकंड डिजिट ही अगर हमारी फर्स्ट डिजिट दोनों 7 है तो सेकंड डिजिट ही हमारी डिसाइड करेगी, जो हमारी 2 है, यानी कि 8 to 7 क्या है हमारा थर्ड हाईएस्ट नंबर। बिना टाइम वेस्ट के, बिना पेन वेस्ट किए या बिना पेन से लिखे, क्यों, क्योंकि आप सबको मैंने अभी बताया किस तरह से किया हमने हाईएस्ट। जब इन्होंने रिवर्स ऑर्डर बोला तो हम सीधा लास्ट से ही देखेंगे, 9 हाईएस्ट हो जाएगी जो सबसे बड़ी है, फिर 8 सेकंड हाईएस्ट, और उसके बाद 7 वाले 2 थे तो हमने सेकंड डिजिट देखी, 1 और 2, खत्म।
इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना जो ये चाहते हैं। स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन इसीलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि हमारी जो स्पीड और एक मोमेंटम चल रहा होता है उस पर ब्रेक लगा देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख दूं। ये हमारे 6 नंबर है। अब आप लोग क्या करें, पहले आप इसे खुद एक ट्राई करें, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या पूछा है क्या नहीं। इफ द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड, यानी कि इस बार इसने बोला कि पहली दो को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद इसने बोला कि सेकंड लोएस्ट। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, जब हम पहली दो को इंटरचेंज करेंगे तो 2 यहां पर आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा, इतना ही होगा। और इसने मुझसे पूछा है सेकंड लोएस्ट, बिना उसको बनाए पहले हम ट्राई करते हैं कि क्या हम उस तरीके से कर पाएंगे। अगर ये 2 यहां पे आ जाएगा हम सिर्फ इसे लिख देंगे, या फिर हम इसे लिख भी सकते हैं, इतना टाइम नहीं जाएगा। बस हमें ये कि हमें इसकी वर्डिंग समझनी है कि ये कहना क्या चाहता है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। इस तरह से बन गया। और इन्होंने पूछा सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, दिख रहा है कि ये हमारा क्या है लोएस्ट, और सेकंड लोएस्ट कौन सा हो गया हमारा 8 to 7, यानी कि आंसर ये हमने मार कर दिया। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें इसने हमें कहा है इफ वन इज एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स एंड देन ईच डिजिट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन ईच नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि हमें पता है कि अगर हम इन्हें ऐड कर दें लास्ट में तो ये क्या हमारा बनेगा। इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। और इसे इन्होंने बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज किस तरह से करेंगे, यानी कि बड़े से छोटा। इस तरह से। और इसने हमसे पूछा कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा बना। 655 यहां से हमें दिखा 655, ऑप्शन मार्क हमारा आंसर आ गया। इतना क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर भी लोग गलती क्या करते हैं। यहां पर लोग जो इसकी वर्डिंग है उसे समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ये पहली बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करें, ये पहले डिसेंडिंग में अरेंज करें फिर ऐड करें, काफी सारी चीजें जो ट्रिक्स मतलब दिमाग में आ जाती है एग्जाम के टाइम, क्योंकि आपके पास जब प्रेशर होता है दिमाग पे एग्जाम के टाइम वो नेक्स्ट लेवल होता है। अभी आप ये सब आसानी से कर लेंगे, बट जब ये एग्जाम में आएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कहूंगा ज्यादा नहीं 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के भी प्रैक्टिस करके जाएं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मिडिल डिजिट, यानी कि इन सब के मिडिल डिजिट से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद सब डिजिट को हमने क्या किया, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो इन्होंने पूछा सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट 817, 379, 475, 644, 568, 207, यही हमारा बना। वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मिडिल डिजिट, और उसके बाद इन्होंने क्या बोला हमें, मिडिल डिजिट से हमने सबके 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उन्होंने हमसे पूछा है सेकेंड स्मॉलेस्ट, यहां पर स्मॉलेस्ट तो ये है, सेकेंड स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 178। अब गलती क्या होती है, लोग कहते हैं यार 178 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हमें पहले देखना है कि ये इजी टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि टाइम वेस्ट कहां कहां पे होता है। जरूरी नहीं था ये क्वेश्चन समझाना, लेकिन मुझे किसी ने पहले भी कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में इस पर भी करवा दूं, जब सब कर ही रहे हैं तो ये क्यों छोड़ना है, रिस्क क्यों लेना है एग्जाम में, अगर आ जाए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारा टॉपिक आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिलोगिज्म, जो काफी देर से काफी सारे लोग कह रहे हैं। इस पर मैं आपको 2 से 3 वीडियोस बना दूंगा, या 2 ही रखूंगा, एक वीडियो में मैं आपको सारे रूल समझा दूंगा, और सेकेंड वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 8 से 10 क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में, सारे मैं पॉसिबिलिटी वाले केसेस और सबको करने की कोशिश करूंगा, तो आप टेंशन ना लें,
कल हम सिर्फ साइलॉगिज्म करेंगे, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर इसके साथ हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि सब 30 प्लस या 25 से 30 प्लस मार्क्स लेके आए रीजनिंग में, 35 में से। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।